मैं आपका स्वागत है दोस्तों। मैं उच्च हूँ और आज पीयूष और नैतिक तो स्कूल जाने वाले नहीं हैं, तो आज मैं ही स्कूल जाऊंगी। तो मम्मी ने आज मेरे लिए नाश्ता लगा दिया है, वही पराठे और दूध। दीदी भी देख लो, दीदी यहाँ पर नाश्ता कर रही है। तो मैं भी तो रेडी नहीं हुई हूँ, अभी मैं रेडी होंगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं स्कूल जाऊँगी, तो चलो इसको देख लो, ये तो जाने वाला नहीं है। मैं जाऊँगी, मुझे तो जाना नहीं पड़ेगा, सबके ढोक दे दूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी। देखो कि मैंने आज कितनी सारी रोटियाँ बनाई है। और आज नेहा गई स्कूल, वो बोल के गई है कि मम्मी थोड़ा सा मेरा व्लॉग बनाना। आज गाइस आप देख रहे हो कि मैंने इतनी सारी रोटियाँ क्यों बनाई है, मैं आपको बताऊँगी नहीं क्यों मैंने आज इतनी सारी रोटियाँ क्यों बनाई है। और अभी ऊपर तो मतलब कैगरी का काम चल रहा है और यहाँ पर पढ़ाई चल रही है हमारी। मम्मी आज खरबूजे की सब्जी बनाएगी, खरबूजे की और फली की, तो हाँ फिर कांसा और फली। पर ये खाने में भी वैसा है, इसकी खुशबू भी वैसी है खरबूजे की जैसी, और लग रहा भी है ये खरबूजा ही, खरबूजा नहीं है काच रहा है, कुछ तो काच रही है। अभी मम्मी इसको सारी मिक्स करके बनाएगी कचरा एंड केवल फली, चूल्हे की फली छील रही है मम्मी अभी इसको। ये यहाँ पर डांस कर रहा है, मैं यहाँ पर होमवर्क कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है आज हमारे घर पर काचरे की सब्जी बनेगी, तो गाइस हमने अभी तक तो खाई नहीं है काचरे की सब्जी। मम्मी ऐसे बोल रही है बहुत अच्छी होती है, और मम्मी ने एक जने की खेत से तोड़ के लाई है ये सब्जी, हमारे पड़ोस में उसकी लग रही थी ये, तो हमने तो अभी तक खाई नहीं है। तो आज हम टेस्ट करके बताएंगे कि काचरे की सब्जी कैसी होती है। तो मैंने देखा है ऐसे, मैंने तो पहले बोल दिया मम्मी आज खरबूजे की सब्जी नहीं, क्योंकि इसका खुशबू भी ऐसी है। ये तो मम्मी ने काट के यहाँ पर तैयार कर लिया। फली तो कहीं दिख रही नहीं है इसमें, तो बस ये खरबूजे सॉरी ये काचरे काचरे दिख रही है, क्योंकि फली हमारी पहले टूट चुकी है सारी, बस यही था दो थे ये। इसलिए देखो इसमें खुशबू, ये देखो मम्मी चाय बना ली है, तो मम्मी सबको डालेगी, नहीं उखड़ेगा, मतलब मक्खी हो जाती है। तो हमने यहाँ पर एक जुगाड़ बिठाया है, हमने आसपास की सारा कचरा लेके इसमें डाल दिया, उसके बाद में इसमें आग जला दी, और ये धुआं की वजह से सारी जो मक्खी है वो उड़ सकती, सही मर जाएगी। ये देखो इसके सामने भी खड़े हो जाओ, बस ये किस तरीके से इसमें आग लग रही है, इसको देखो इसको मज़ा आ रहा है धुआं में। मम्मी यहाँ पर घास काट रही है, और अभी ये देखो पीयूष क्या कर रहा है पानी नहीं आ रहा। तो गाइस ये देखो पीयूष इसके अंदर ये इस गंजी गब्बी के अंदर पानी डालकर इस नलकी को लगाकर कुछ इस तरह का जुगाड़ बिठा रहा है। इसमें देखो कितना सारा पानी इकट्ठा हो चुका है वैसे एक बार, इसके देखो इसको मुँह पे मिट्टी लग रही है, पता नहीं ये शादी ऐसे ही खेल खेलता रहता है, कितना कीचड़ कीचड़ कर दिया इसके आस पास। ये मग पापा को लेके रखा है, ये पटक दे देखते हैं उसके अंदर से पानी आता है या नहीं आता। आ गया, प्लान सक्सेस, वाह पीयूष। ओ ये यहाँ से निकलता है, यहाँ से बंद कर दूँ। ये तो इसका प्लान एकदम सक्सेस, नीचे से निकला है मोड़ी से। हाँ इस पर मोड़ा है ऐसे, ये देखो सब बम, मुझे इस पे पाइप देखो, ये पाइप नहीं दिख रहा। हाँ गाइस देखो खेलने के साथ ऐसे खेलता रहता है। ये देखो मानवी जी सब बैठे हुए हैं, काम फिनिश हो चुका है, क्योंकि मशीन है फाइनली मशीन रिकॉर्ड बना लिया सारा घास काट कर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा घास था, उससे एक के लिए नहीं काटी मम्मी ने भी काटी है, मम्मी को भी इनाम मिलना चाहिए। देखो हम चलते हैं दादाजी के पास की, दादाजी खूब देर से वहाँ पर बैठे क्या कर रहे हैं, दादाजी वहाँ पर बैठे बैठे पता नहीं क्या कर रहे हैं इतनी देर से वहाँ बैठे बैठे, बड़े बड़े हो चुके हैं ये साथ। दादाजी यहाँ पर खूब देर से देख रही हो, यहाँ पर बैठे बैठे आप क्या कर रहे हो? तो यहाँ की क्यों काट रही हूँ, आप किसको डालोगे फिर? ये भैंस भैंस खाई कितनी पाडीर
भैंस को गाय को सबको पार्टी कौन डालो पार्टी नहीं डालो कितनी सारी काट ली जाते थाने काट दिला आज आज में वर्ल्ड रिकॉर्ड में लगा जाते थे है वहाँ पर अभी तो धुआं उड़ रहा है तो दाद दो दो अभी तो इसी काटे से इतनी देर में वो कूदो कड़ी ने कड़ी ने बड़े देख का हो दिखा दी हमारी भाषा में से भी जो इकट्ठी करी हुई चीज़ होती है उनको बोलते हैं गाइस कुड्डा तो आप बुरा मत मानना ये देखो यहाँ पर हमारे जो मोटर मतलब जो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर पाइप लगे हुए हैं पाइप पड़े हुए हैं तो पाइप हम सुबह लगा कर उसके बाद में इस मोटर से ही हम पानी भरते हैं क्योंकि इस मोटर में रहता है जो रहता है यहाँ पर बोरिंग है मतलब इसको बोरिंग बोलते हैं तो जी देख रही है कि ये क्या कर रही है यहाँ पर देखो कितनी बड़ी हो चुकी है ये घास नारा जी की मेहनत तो सब उन्हें इतना सारा इकट्ठा कराया दादाजी ने पढ़ो नीचे चलो धुनी धुनी हो गई मम्मी को तो शायद सास थी ये धुनी कहाँ कहाँ जाएगी पता ही नहीं चलिए बस इतना ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में तो तब तक के लिए बाय बाय और अगर आपको ये व्लॉग मतलब आपको इस व्लॉग में थोड़ा ही मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करना तो चलो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो मतलब न्यू वीडियो के साथ।